इस वीडियो में आप लोग सुहाग्रा 50 टैबलेट के बारे में जानेंगे। इस टैबलेट का क्या इस्तेमाल होता है, इस टैबलेट का प्राइस क्या है, किस कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है, इस टैबलेट को लेने के बाद क्या लाभ होता है, इस टैबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद यह टैबलेट किस प्रकार हमारे शरीर में काम करता है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं डॉक्टर सीएस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हम इस तरह की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो जब भी लाएं तो आपकी मदद हो सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सुहाग्रा 50 टैबलेट की प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 73 रुपये में एक स्ट्रिप मिल जाएगी। इसकी एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट होती है, जैसा आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिंडेनाफिल 50 mg में मिलाया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला लिमिटेड कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस देता है। इसे 30 डिग्री से कम ताप पर स्टोर करना चाहिए। इस टैबलेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट के होने वाले लाभ में शामिल है सुहाग्रा टैबलेट TE5 इनहिबिटर्स नामक दवाओं समूह से संबंधित है। यह आपके पेनिस में रक्तवाहिकाओं को आराम देकर काम करता है। सेक्सुअल उत्तेजित होने पर यह पेनिस में खून का भाव बनाता है और इरेक्शन उत्पन्न करता है। यह दवा केवल आपको सेक्सुअली उत्तेजित होने पर ही इरेक्शन पाने में मदद करेगी। अगर आप नाइट्रेट नामक दवाएं, जिन्हें अक्सर सीने में दर्द के लिए दिया जाता है, इस दवा को आपको नहीं लेना चाहिए। इस दवा को इस्तेमाल करने का तरीका, इस दवा की खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। सुहाग्रा 15 टैबलेट को भोजन के साथ या भूखे पेट भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। अगर आप सुहाग्रा टैबलेट लेना भूल जाते हैं, अगर आपको सुहाग्रा 15 टैबलेट निर्धारित समय पर नहीं ले पाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आपको इस टैबलेट को ले लेना चाहिए। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो पिछली खुराक छोड़ दें और अगली खुराक ले लें। खुराक को डबल करने की कोशिश ना करें। इसे हर रोज़ एक निश्चित समय पर एक टैबलेट रोज़ाना सोने से पहले लेना चाहिए, जिससे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। या आपको जब इरेक्शन की ज़रूरत हो, आप अपने पार्टनर से संपर्क बनाने की योजना बना रहे हों, तब आप इस टैबलेट को आप लें तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह टैबलेट लेने के बाद किस प्रकार काम करता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह लिंग की रक्त वाहिकाओं को आराम पहुँचाता है, जिससे उत्तेजित होने के दौरान लिंग में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। यह सेक्स के दौरान लिंग में तनाव को बढ़ाता है, जिससे आप सेक्स का पूरा आनंद उठा पाते हैं। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने रहते हैं या आपके लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो आपको तुरंत किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिसकी मौजूदगी में आप दवा ले रहे हैं। सुहाग्रा के सामान्य साइड इफेक्ट में रैशिंग, चेहरे, कान, गर्दन और शरीर में गर्मी महसूस होना, सिर दर्द, जकड़न, नाक से खून आना, धुंधली नज़र, अपच, मांसपेशियों में दर्द, पेट खराब होना, रैश जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर ये लक्षण बहुत गंभीर हो जाते हैं तो आपको तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना चाहिए। अगर ये लक्षण नॉर्मल हैं तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, धीरे धीरे आपके ये लक्षण ठीक हो जाएंगे।
ये थी सुहाग्रा 15 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को और से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें कितनी खुशियाँ देता है। अगर इस टैबलेट से जुड़ी या फिर किसी अन्य समस्या से जुड़ी आप सलाह चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।